Hello everyone, I am Pratibha Bhagat and welcome back again in this lecture session. In last class, I had discussed about pea diseases, which was our last field crop according to course code APP 5321. And the course title is Diseases of Field and Horticultural Crops and Their Management Part 2. And today, I am going to start horticultural crop and our very first crop is mango, which is a fruit crop. Mango is a very important and favorite fruit in India and all over the world. And mango is infected by several pathogens, and I am going to discuss about the important diseases, that is anthracnose, malformation and powdery mildew. So first I will start from the anthracnose. So this disease can found in all countries of the subtropics and tropical region like Asia, Africa, North, South and Central America, also in Europe. So anthracnose can cause 1 to 13% loss in field and 40 to 50% loss in post-harvest condition. So this was the economic important for the disease, and this disease is caused by Clectotrichum gloeosporiatus, and next is symptoms. So in symptoms, this fungus can produce leaf spot, blossom blight, wither tip, twig blight and fruit rot as a symptom. First hum leaf se so ye disease leaf ke sath sath inflorescence and fruits pe bhi सिम्टम्स कॉज कर सकती है. पहले हम लीफ सिम्टम्स की बात करते हैं. सो इन लीव्स सर्कुलर लाइट येलो ब्राउन स्पॉट विच सून इनलार्ज विद डार्क ब्राउन टू ब्लैक मार्जिन. इफ इन्फेक्शन इज सीवियर इट्स लीडिंग टू ट्विस्टिंग ऑफ फॉलिएज एंड प्री मेच्योर डिफॉलिएशन. सो दीज वॉज द सिम्टम्स ऑफ लीव्स. द नेक्स्ट वन इज इन्फ्लोरेसेंस. इन्फ्लोरेसेंस या फिर इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक में फ्लावर्स में माइन्यूट स्पॉट्स प्रोड्यूस होते हैं. आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो एंथ्रेक्नोज के सिम्टम्स हैं फ्लावर्स में एंड स्टॉक्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये स्टॉक एंड इनके फ्लावर्स में. सो जो सिम्टम्स होते हैं माइन्यूट स्पॉट्स होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस स्टॉक में एंड फ्लावर में प्रोड्यूस होते हैं, और जो धीरे धीरे साइज में बढ़ने लगते हैं. साइज़ में बढ़ने के साथ यह जो फ्लावर्स होते हैं उनमें ड्रॉपिंग भी होती है, यानी कि इस डिसीज़ के कारण जो फ्लावर होते हैं वो झड़ जाते हैं, और ये जो झड़ने की प्रक्रिया है इस सिम्टम को हम बोलते हैं ब्लॉसम ब्लाइट. सो इस तरह से यह इन्फ्लोरेसेंस में ब्लॉसम ब्लाइट का सिम्टम प्रोड्यूस करता है यह डिसीज़. नेक्स्ट है हमारा फ्रूट्स में. आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्रूट्स एंड स्टेम में यह डिसीज़ इन्फेक्शन फैला रहा है. स्टार्टिंग में जो स्टेम के पास वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनमें स्मॉल ब्राउन कलर के एरिया डेवलप होते हैं, और ये इन्हें हम सनकिन स्पॉट्स के रूप में भी कहते हैं. इन्हें सनकिन स्पॉट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इस इमेज में देखिए सेकंड नंबर के जो जहाँ पे स्पॉट प्रोड्यूस हुआ है वहाँ का जो एरिया है उस एरिया थोड़ा सा अंदर की तरफ धंस गया है, जिसकी वजह से हम इसे सनकिन स्पॉट्स कहते हैं. सो जो सिम्टम्स होते हैं वो स्मॉल ब्राउन कलर के प्रोड्यूस होने लगते हैं और तुरंत ही फैलने लगते हैं, और जैसे जैसे ये ओल्डर होने लगते हैं ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. इन स्पॉट्स के नीचे का जो पल्प होता है वह हार्ड हो जाता है, और जैसे जैसे फ्रूट पकने लगते हैं राइप होने लगते हैं वहाँ पे फ्रूट्स में क्रैकनिंग आने लगती है, और जो फ्रूट होता है आपका सड़ने लगता है. जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे यंग स्टेज में ही जो फ्रूट है वह सड़ चुका है, और यहाँ पे राइपनिंग कंडीशन में जो कि पोस्ट हार्वेस्ट कंडीशन वहाँ पे भी इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं. साथ ही साथ यह स्टॉक में भी ब्राउन स्पॉट प्रोड्यूस करता है जो कि बाद में ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. सो जो इस इन्फेक्शन से हमारा जो आपका लीफ हो गया, इन्फ्लोरेसेंस हो गया, स्टॉक एंड फ्रूट्स हो गए, और साथ ही इन्फेक्शन होता है यानी कि आपके लीव्स
इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्रूट्स तीनों ही अफेक्ट हो रहा है, और ये तीनों ही प्री मेच्योर डिफोलिएट हो जाते हैं, जो कि जिनमें कुनीरिया प्रोड्यूस ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है, और ये कुनीरिया एज अ सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाने में वर्क करते हैं, जो कि आपकी फील्ड में ऑलरेडी गिर चुके हैं। जो कि साथ ही साथ अगर जो इस तरह के इन्फेक्टेड फ्रूट्स हैं इनिशियल सिम्टम्स में अगर हम उन्हें सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं भी करते हैं तो आफ्टर हार्वेस्टिंग ये स्टोरेज के टाइम पे भी यह डिसीज सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रूप से फैल सकते हैं और पूरा का पूरा फ्रूट जो है वो सड़ सकता है। बस एक बार पैथोजन अगर फ्रूट के अंदर आ गया तो हार्वेस्टिंग के बाद भी फ्रूट में सड़न हो सकती है। तो मोस्टली जो फ्रूट में इन्फेक्शन इस प्लांट में सबसे बड़ा लॉस यही है कि जो हमारा फ्रूट होता है, जो हमारा मेन इल्ड है, वही उसमें सड़न होने लगती है, उसी में सड़न हो जाती है, जिसकी वजह से वो फ्रूट की मार्केट वैल्यू कम हो जाती है और फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। तो ये था सिम्टम्स ऑफ एंथ्रेक्नोज। नेक्स्ट है हमारा इसका पैथोजन, कि ये कौन सा पैथोजन है और किस तरह से इसके स्ट्रक्चर है, इटियोलॉजी है। सो यह पैथोजन दो तरह के, इसमें दो स्टेज होते हैं, एक होता है आपका सेक्सुअल स्टेज और दूसरा होता है एसेक्सुअल स्टेज। सेक्सुअल स्टेज में इस डिसीज़ का पैथोजन का नाम होता है ग्लोमेरुला सिंगुलाटा, एंड एसेक्सुअल स्टेज में होता है क्लेप्टोट्राइकम ग्लोसियोस्पोरिडियस। सो यह जो पैथोजन होता है वह माइसीलियम हाइफी एसरबुलस और एसरबुलस के में कुनीडियोफोर एंड कुनीडिया प्रोड्यूस होता है। जैसे कि देख सकते हैं ये है आपका एसरबुलस, ये जो स्ट्रक्चर है ये एसरबुलस है, जिसमें शॉर्ट शॉर्ट कुनीडिया एंड सिटी प्रोड्यूस होते हैं, जो कि और इन्हीं कुनीडियोफोर के ऊपर आपका प्रोड्यूस होता है स्पोर्स कुनीडिया, यानी कि कुनीडिया। तो ये आपका कुनीडिया है एंड दिस वन इज एसरबुलस। जो माइसीलियम होता है वह सेप्टेड होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं और हल्के गहरे कलर के होते हैं, हल्के गहरे कलर के हाइफी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो लाइट कलर के हैं। सो साथ ही साथ ये जो हाइफी होता है वह एक फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, और यह फ्रूटिंग बॉडी होता है आपका एसरबुलस। एसरबुलस क्या होता है, एसरबुलस क्लोजली पैक्ड सिंगल सेल कलरलेस कुनीडियोफोर प्रोड्यूस करते हैं, और यही कुनीडियोफोर कुनीडिया प्रोड्यूस करते हैं। ये कुनीडिया ओवल टू ऑबलोंग शेप में होते हैं, आप देख सकते हैं इनका शेप या तो ओवल है या तो ऑबलोंग, मोस्टली ऑबलोंग्स हैं, दीज आर द ओवल। सो ये ओवल टू ऑबलोंग कुनीडिया अपने टिप में प्रोड्यूस करते हैं, और ये कुनीडिया नॉन सेप्टेड होते हैं, और इनकी साइज 12 to 16 × 4 to 6 माइक्रॉन इन डायमीटर होती है। साथ ही साथ एसरबुलस स्टराइल हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हैं, जिसे हम सिटी के नाम से जानते हैं, या आप देख सकते हैं जो गहरे भूरे रंग का नुकीला स्ट्रक्चर है, यही है सिटी। सो ये था इस पैथोजन का इटियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका डिसीज साइकिल। सो जैसे कि पहले बताया था मैंने, जो पैथोजन होते हैं सिम्टम्स में आपको मैंने डिस्कस किया था कि जो पैथोजन होते हैं वो क्या होते हैं, फॉलन लीव्स और फ्रूट्स में प्रेजेंट रहते हैं, जो कि सॉइल में, इस वजह से वो सॉइल में भी सर्वाइव कर जाते हैं। सो जो प्राइमरी इन्फेक्शन है वो आपका सेप्रोफिटिक माइसीलियम या कुनीडिया के द्वारा होगा, जो कि इन्फेक्टेड प्लांट डेब्रिस में प्रेजेंट रहते हैं, जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, तो यहाँ पर आपका प्राइमरी इन्फेक्शन कॉज होता है। देन जो आपका सेकेंडरी इन्फेक्शन है वह विंडबॉर्न कुनीडिया या फिर रेन स्प्लैश कुनीडिया के कारण ही सेकेंडरी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। साथ ही साथ विंडबॉर्न और रेन स्प्लैश के साथ ही साथ इरिगेशन वाटर भी इस डिसीज़ को स्प्रेड करने में काफ़ी मदद करती है। तो यह था इस डिसीज़ का डिसीज़ साइकिल, कि किस तरह से यह प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन फैलाता है। नेक्स्ट है हमारा फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन यानी कि डिसीज़ को डेवलपमेंट के लिए डिफरेंट फेवरेबल कंडीशन है, जो कि आपका हाई ह्यूमिडिटी, 24 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, फ्रीक्वेंट रेन्स एंड डिसीज़ डेवलपमेंट के समय में मॉइस्चर, मॉइस्ट कंडीशन, यानी कि अगर मॉइस्ट कंडीशन
प्रेजेंट होगा एनवायरनमेंट में या फिर सॉइल में, तो डिसीज़ का डेवलपमेंट बहुत ही फास्ट होगा। तो ये था इस डिसीज़ के लिए फेवरेबल कंडीशन। अब हम इस डिसीज़ का मैनेजमेंट देखेंगे, किस डिसीज़ को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, हाउ वी कैन मैनेज दिस डिसीज़। सो इस डिसीज़ को मैनेज करने के लिए हम दो अलग अलग मेथड्स का प्रयोग करेंगे। मेथड्स यानी कि हम डिफरेंट डिफरेंट शेड्यूल में इनको यूज़ करेंगे, यानी कि एक होगा आपका बिफोर हार्वेस्टिंग और दूसरा होगा आफ्टर हार्वेस्टिंग, क्योंकि हार्वेस्टिंग के बाद भी जो आपका फ्रूट है वो उनमें सडन हो सकती है, इसलिए हमें दोनों ही बिफोर हार्वेस्ट भी हमें ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है और आफ्टर हार्वेस्ट भी ट्रीटमेंट करना इम्पॉर्टेंट है। तो पहला हमारा बिफोर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग से पहले हमें डिफरेंट केमिकल्स एंड कल्चरल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। कल्चरल मेथड्स में हम ऑर्चर्ड में हमें ओवर क्राउडिंग को रोकना होगा। ओवर क्राउडिंग यानी कि प्लांट को हमें उनके ऑप्टिमम डिस्टेंस पे ही लगाना होगा। अगर हम उनके रिक्वायर्ड डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, इससे फील्ड जो आपका ऑर्चर्ड होगा उसमें ओवर क्राउडिंग की समस्या नहीं होगी। अगर पौधों का घनत्व कम होगा तो हमारा प्लांट को न्यूट्रिएंट अमाउंट न्यूट्रिएंट जो है वो प्रॉपर अमाउंट में भी मिलेगा, और साथ ही साथ अगर एक प्लांट दूसरे प्लांट से ओवरलैप नहीं होगा तो जो डिसीज़ है उनका भी ट्रांसफ़र रुक जाएगा, यानी कि डिसीज़ एक फील्ड से एक प्लांट से दूसरे प्लांट पर नहीं जा पाएगी। तो ये था डिस्टेंस मेंटेन करके हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है ट्री का सैनिटेशन या फिर ऑर्चर्ड का सैनिटेशन। तो ट्री भी हम ट्री में भी सैनिटाइजेशन कर सकते हैं और हम ऑर्चर्ड में भी सैनिटाइजेशन कर सकते हैं। ट्री में हम जो डिसीज ट्विंग्स होते हैं उन्हें हमें प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग करने के बाद हम उन्हें या उन्हें डिस्ट्रॉय कर देना ताकि वो किसी तरह से सेकेंडरी इन्फेक्शन ना फैला सके। तो इस तरह से हम इसका ट्री सैनिटेशन कर सकते हैं। हमें और देन है आपका ऑर्चर्ड सैनिटेशन। ऑर्चर्ड सैनिटेशन के लिए हम जितने भी फॉलन लीव्स या फिर फ्रूट्स हैं, जो पत्तियां प्लांट्स पेड़ से झड़कर गिर चुकी हैं, जो फ्रूट्स इन्फेक्टेड ट्री से गिरकर झड़ चुकी हैं ज़मीन में, उन्हें हमें कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर देना या तो हमें उन्हें आग लगा देना है। तो इस तरह से हम डिसीज़ का सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। तो ये था कल्चरल प्रैक्टिस एंड फिजिकल प्रैक्टिस। अब देन हम देखते हैं आपका केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। केमिकल एंड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स का यूज कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट में हम फॉलियर पार्ट में भी स्प्रेइंग कर सकते हैं और फ्रूट पार्ट्स में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो फॉलियर पार्ट्स में डिसीज़ के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम प्रॉपर फंगीसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं, एंड फ्रूटिंग पार्ट में इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कार्बेंडाजिम, थायोफेनेट, मिथाइल और क्लोरोथैलोनील को गिवन अमाउंट में फील्ड में स्प्रे कर सकते हैं, और हर 14 दिन के इंटरवल्स में हम डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए इन केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब जैसे ही प्लांट में फ्रूट बनना स्टार्ट हो जाएंगे, फ्रूट सेट होने लगेंगे, तब से लेकर हमें हार्वेस्टिंग तक कंटिन्यूसली हर 14 दिन के इंटरवल्स में इन केमिकल्स का स्प्रे करते रहना होगा, ताकि जो डिसीज़ है वह उनका इन्फेक्शन रुक जाए, वो डिसीज़ कंट्रोल रहे। तो ये था केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट के साथ साथ हम बायो एजेंट्स का भी फील्ड में प्रयोग कर सकते हैं। बायो एजेंट के लिए हम शुडोमोनास फ्लोरेसेंस का यूज़ करेंगे, तो जो कि एक बैक्टीरियल बायो एजेंट है। तो हमें शुडोमोनास फ्लोरेसेंस का हमें 5 ग्राम पर लीटर का घोल बनाना होगा। इस सॉल्यूशन को हमें जितने भी फ्लावर ब्रांचेस हैं उसमें स्प्रे करनी होगी, और टोटल हमें हर 3 वीक्स के इंटरवल में 5 to 7 स्प्रे करना बहुत ही कंपलसरी है, ताकि जो डिसीज़ है उसे हम इनफैक्ट उसके इन्फेक्शन को हम रोक सकें। तो ये था हमारा बिफोर हार्वेस्टिंग मैथड्स मैनेजमेंट मैथड। अब हम देखते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग। सो आफ्टर हार्वेस्टिंग में हमें स्टोरेज करने से पहले हमारे जो फ्रूट्स होते हैं जो हमने ऑर्चर्ड से कलेक्ट किए हैं, उस फ्रूट्स को हमें ट्रीट करना होगा। ट्रीट करने के लिए हम फिज़िकल मेथड एंड केमिकल मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं। तो फिज़िकल मेथड में हम फ्रूट को स्टोर करने से पहले
50 to 55 डिग्री सेल्सियस हॉट वाटर में 15 मिनट के लिए ट्रीट करना होगा, और ट्रीट करने के बाद हम फिर इसे स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद जो आप केमिकल ट्रीटमेंट में हम विनोमाइल सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं, या फिर थियोबेंडाजोल का भी हम सॉल्यूशन का यूज़ कर सकते हैं। विनोमाइल सॉल्यूशन का हमें 500 ppm बनाना होगा हमें, एंड आपका थियोबेंडाजोल का 100 ppm का सॉल्यूशन बनाना होगा। इन दोनों सॉल्यूशन में हमें फ्रूट्स को 5 मिनट के लिए डिप करके रखना होगा, और उसके बाद हम इसे स्टोर कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है आपका साथ ही साथ हम गैसेस, केमिकल गैसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। सो हमें फ्रूट्स को अमोनियम एंड सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस के सामने एक्सपोज कर देना है, ताकि जो उसमें इन्फेक्शन है, जो पैथोजन प्रेजेंट है, वो मर जाए और हम सेफली फ्रूट्स को स्टोर कर सकें। तो ये था बिफोर हार्वेस्टिंग एंड आफ्टर हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर सेशन में हम आपके माल फॉर्मेशन एंड फॉरेन मिल्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।